महिमा से, क्यों ये सत्संग की ने महिमा क्यों बताते, कारण क्या है बताओ, हम लोग कौन है? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंत सजीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जो जीव है हम किसकी औलाद, उपनिषद कहता है अमृतस्य पुत्र, हम साधारण घर के बच्चे नहीं है। इसलिए कहते हैं ना तुमैव माता च पिता तुमैव, बोलते हैं ना, बोलो तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधुश्च सखा तुमैव, तुमैव विद्या द्रविण तुमैव, तुमैव सर्व, बोलते हैं ना, कौन है? ठाकुर है, हमारे कन्हैया हमारे पितामह, भगवान राम हमारी पितामह है ना, हम उनके बच्चे, उनके औलाद, अमृतस्य पुत्र, भगवान के अंश, भगवान जैसे सच्चिदानंद स्वरूप हम भी वैसे ही हैं, उनके अंदर सब चीज आनंद है, हमारे अंदर में भी विद्यमान, लेकिन सो माया बस भय गुसाई बंधी है मरकट कीट न्याय। जीव ऐसे बदले हुए अपने आप को, जीव भूल गया, जीव है वो बिलबिला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, संसार की धक्का खा रहे हैं, कोई तन से दुखी हो रहे हैं, कोई मन से दुखी हो रहे हैं, कोई परिवार से दुखी हो रहे हैं, कोई बहू से सुखी हो रहे हैं, कोई सास से दुखी हो रहे हैं, कोई बच्चे से दुखी हो रहे हैं, कोई काम से दुखी हो रहे हैं, कोई बिजनेस से पड़ोस से दुखी दुखी हो रहे भी नहीं, लेकिन हम एक और ठाकुर की बच्चे, ठाकुर जी के औलाद हैं, हैं? जैसे वो संत आकर के उसको समझाए ना, संत आकर समझाए ना, इसलिए संत आकर को उनको समझाया तुम्हारी धर्म नहीं, तुम्हारी पितामाता नहीं, इसलिए तुम असलियत में तुम मन के राजा है तुम्हारे, उसी तरह हमें कौन समझाएगा आकर के, भैया तुम संसार के हम सब कितना हुए हैं, क्या क्या हुए अभी हम भी सब कितना हुए, ये मत समझो हमको सही, हम सही, हम सब कितना हुए हैं, असली जो पिता माता है ना, अगर तुमको पूछेंगे तुम्हारे पिता माता कौन, तो बोलोगे ठाकुर मेरे पिता माता, इनको पूछे पिता माता बोले मेरे महिला मेरे बाप है, लेकिन दो दिन का है, तीन दिन में फिर खत्म, ये धर्मशाला है, धर्मशाला में रुकते हो हैं, धर्मशाला में कुछ जैसे रात को धर्मशाला में रुकते हैं ना, सब रात उनको गप्पे मारते सवेरे खत्म, ये धर्मशाला में रुके दो दिन का नाता है, तीन दिन में खत्म, सारे खेल खत्म हो जाएगी, ये हमारे संसार है ही नहीं, रहने का ये है ही नहीं, ये हम सबके सब किडनैप होकर पड़े हुए हैं, झूठे चीज को असली चीज हमने मान लिया है, इसलिए असली चीज मान लिया, झूठे को अपने असली और असली को नकली मान रहे, असली को नकली मान रहे, ये संतों का जो कहते हैं बिनु सत संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनो सुलभ ना होई, क्यों कहते हैं बोले बिनु सत संग विवेक ना होई, ये साधु संग से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हैं? राम कृपा बिनो, जब तक ऊपर वाला का कृपा नहीं हो तब तक साधु संग ही नहीं, साधु संग ही नहीं, इसलिए समझो आज हम लोगों का बहुत बढ़िया दिन, अच्छा दिन है ना बाबा, अच्छा दिन है कि नहीं, बोलो, जिस घर में कीर्तन हो रहे हैं, सत्संग हो रहे हैं, जिस घर में कीर्तन सत्संग होना शास्त्र कहता है मंगल भवन अमंगल हरि, घर के सारे अमंगल निकल जाती है, घर में मंगल मंगलमय हो जाता है घर में, है इसलिए आज हम लोगों का बड़े भाग्य है, लेकिन अभी नियम है संतों को कुछ दो और कुछ लो, संतों को कुछ दो और कुछ लो, लेकिन हम आते ही अपने भाई को बढ़ाए तो बढ़ा गया इसलिए हम लोगों ने दे दिया हम लोगों को, इसलिए नहीं ये चीज नहीं, हमें संतों को क्या देनी चाहिए, सारी गंदी चीज देनी चाहिए, संतों से क्या लेनी चाहिए, जितने अच्छे चीज को है ना, सारी गंदी चीज को संतों को दे दो, और जितने अच्छी चीज को हमें क्या कर, हमें अच्छी चीज लो, बोले गंदी चीज क्या है, बोले चार चीज गंदी बताए भागवत, पहला नंबर जुआ नहीं खेलनी चाहिए, दूसरे नंबर किसी तरह का नस्ली वस्तु मत लिया करो, पान बीड सिगरेट गज्जा अफीम शराब गुटखा फुटका कुछ तो मत लिया करो, कुछ ले लेते हो बाबा, कुछ लेते हो, कुछ सही बोल दो, कुछ नहीं लेते हैं ना, हाँ गंदी चीज को नहीं लेते, माता जी हंस रही है, क्यों हंस रही है, क्यों कुछ गड़बड़ लग रहा है, हाँ कुछ गड़बड़ी है ना, अरे बोल दो, संतों के सामने ना कोई चीज छुपाने नहीं चाहिए, संतों के सामने देखो, कोई डॉक्टर जब घर में डॉक्टर आए ना, डॉक्टर के पास में जो बीमारी बोल देनी चाहिए, तब तो डॉक्टर उसको सही करेगा ना, दवा दे देगा, अगर डॉक्टर के सामने छुपा होगा तो भैया फिर तो बीमारी जाएगी, मन बैठ नहीं जाएगी,
बाबा सही सही बताओ, कुछ गड़बड़ लग रहा है, हाँ कुछ हंस रहे हैं, कुछ ऐसे हंसते रहते हैं। इसलिए देखो अगर किसी इधर उधर चीज हो ना घर में, सत्ता है ना आपका झोली में, दे देना ठीक है बाबा, आज से दे देना हमें, हाँ सब दे देना, बिना बिना पीते 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 नहीं देना, धोले भी लेते तो ये सब चीज अच्छी चीज है। देखो एक एक चीज समझो, जो पहला गुरु पिता माता, बच्चों का पहला गुरु कौन है, माता पिता, पहला गुरु देना पहला गुरु माता पिता, पिता माता जो करेंगे बच्चे वही चीज को सीखेंगे। अगर हम ऐसे कोई गलत काम कर दिए बच्चों को ऊपर अच्छे कोई बुरे कोई प्रभाव नहीं पड़नी चाहिए, बच्चों को नहीं भटकानी चाहिए। अगर हम सही रास्ता पर चलेंगे ना बच्चों को भी सही मार्ग दिखा सकते हैं, बच्चे कभी गलत रास्ता पर जाएंगे उसका हम डांट सकते हैं, नहीं बेटा गलती चीज। अगर हम स्वयं लेंगे तो बच्चे जाए तो हम उसको समझा नहीं सकते बच्चों को, अरे बच्चे धीरे धीरे बिगड़ते जाएंगे। बच्चे जब हमें ऑस्ट्रेलिया प्रचार के लिए जाएगा था, सही बात बता ऑस्ट्रेलिया, वहां पर एक पार्क नाम सुने हो, एक स्थान पर एक गुजराती व्यक्ति है वहां पर रहते हैं, पति पत्नी, पत्नी बड़ी भक्ति मध्य भजन करती है, हरिनाम लिया है बड़ी गुरु से, जो पति उनका बिजनेस है, लेकिन अभी क्या होता है उसको पत्नी समझाया करती तो बोले देखो ये सब चीज को मत लो बच्चों को बुरा असर पड़ेगा, लेकिन जो बड़ा बेटा है पिता को मानता है, छोटा बेटा माँ को मानता है, इसलिए माँ भजन करती है गले में कंठी तिलक लगाती है, इसलिए बच्चा भी गले में कंठी तिलक लगाया, वो भी गुरु से हरिनाम लिया था है? वो तो सही बात, लेकिन जो बड़ा बेटा पिताजी को फॉलो करता है, जो फॉलो करता है पत्नी मना करती थी मत किया करो तुम पी कर जाते हो अच्छा नहीं लगता, मानता है। अभी धीरे धीरे बच्चों को पर भी वही चीज थोड़ा बच्चे भी पी कर गए, एक दिन बच्चे भी पी कर घर में, जब दोनों पिता माता दोनों पी कर दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। अभी तो पत्नी दिखा रहे भगवान ने तो पहले से मना किया तुम ये सब मत करो, देखो अभी घर में क्या लड़ाई, दोनों पी कर गए, दोनों घर आते फिर घर में लड़ाई करते, फिर उसको पत्नी ने उसको समझाया, बच्चा भी जो पिता वो गुजरात से, गुजरात के वो बाहर रहते थे गुजरात के, पिताजी ने समझ लिया अपने गलती का, कभी मैं बच्चों को नहीं बोल सकता तो मत पिया करो, क्यों खुद में पी रहा हूँ ना, कैसे बच्चों को बोलू तो मत पिया करो, बोल नहीं सकता हूँ। पत्नी को पास में आई बोले तुमने सही रास्ता चुन लिया, मैंने गलत रास्ता चुन लिया, अभी मैं बच्चों को संभाल नहीं सकता, पहले पत्नी का पहले खुद छोड़े चीज को, पहले छोड़ो फिर बच्चों को समझाओ, मैंने कहा बच्चा नहीं समझेगा तुम्हारे, फिर उन्हें थोड़ा छोड़कर हरिनाम लिए, हरिनाम करते भक्ति करते उन्हें छोड़े, फिर बच्चों को भी धीरे धीरे सही मार्ग पर बच्चों को भी दिया, ठीक है ना बाबा, ऐसे कोई मत काम करो जो कि बच्चों को पर कोई गलत है, कोई गलत असर, इसलिए ये सब गंदी चीज को छोड़ करके, और मांस मछली सब नहीं खानी चाहिए, खाते हो कभी नहीं खाते ना, बहुत अच्छी बात है, कभी कभी प्याज लहसुन खा लेते हो कभी कभार, ठीक अच्छी बात है। घर में देखो हर एक चीज समझो, घर में ना जैसे अभी नवरात्रि आए ना, देखना नवरात्रि में कोई ये प्याज लहसुन नौ दिन तो देखना कोई नहीं खाते, नवरात्रि छोड़ देते हैं ना, एक हफ्ता पहले छोड़ देते हैं, बोले क्यों भैया चीज को क्यों छोड़ देते हैं, इसलिए नौ दिन पहले छोड़ देते हैं ना माता जी, तभी चीज समझो क्यों छोड़ देते हैं, कारण है माता जी को पसंद नहीं तभी तो छोड़ते हैं ना, है जो क्या भैया को नौ दिन के लिए खुश रखो पड़े खा कर नाराज कर दो माता जी, जो चीज उनको पसंद नहीं हमें भी पसंद नहीं आनी चाहिए, भैया भैया चुप है चुप, उसको देख कर हम पता चल जाता है कुछ गड़बड़ी, इसलिए देखो एक चीज समझो, तो घर के हम मैं है ना, देखे जैसे देखो जैसे प्याज लहसुन जिस चीज में बनेगा वो चीज फिर खाकर को भोग नहीं लग सकता, इसलिए मनुष्य क्या कहता है बोले स्वान विष्टा समझ अर्ण निरच सुरया सम, कहते जो चीज ठाकुर को भोग नहीं लगता है, कहते स्वान विष्टा, स्वान मतलब कुत्ता, कुत्ते का पट्टी को पाए कहता है, ये मनुष्य क्या कहता है, उपनिषद कहता है किसा वह समित सर्वम जत किंच जगत अजगत, मतलब जगत में हम जो कुछ देख रहे हैं हमने कोई चीज नहीं बनाई, ठाकुर ने बनाया, भगवान ने बनाया है, क्या करो तेन तेजी था मतलब उनको देख करके प्रसाद रूप में स्वीकार कर, तो पिता क्या कहती है, पिता कहती है भंजन ते तो अघम पापा ज
ये पचंती आत्म करना थे और जो जो मेरे लिए नहीं बनाता है खुद के लिए बनाता है भुंजते तो अघम वो पाप हो जाएगा। लेकिन जज के शिष्ट से न संत मुच्छते सर्वज्ञ कहते संत लोग सारे पाप से मुक्त तो क्यों सब कुछ मेरे को अर्पण करके मेरी प्रसाद रूप में ग्रहण करते इसलिए सारे पाप से मुक्त है। सुदामा क्यों गरीब बना पहले क्यों गुरु माता ने जो चाना दिया था कृष्ण को देख रहे था नहीं दिया था तुमको उन्होंने खुद खा दिया छुपा करके तभी गरीब बना धनी कब बना। जब ठाकुर को दर्शन के लिए गए बोले खाली हाथों से नहीं जानी चाहिए दो मोटी चिड़वा लेकर गए ठाकुर एक मोटी खाए ठाकुर दो मोटी खाए जब तीसरे मोटी खा रहे थे रुक्मिणी हाथ खोले नहीं अब दो मोटी खा लिया मतलब उसको घर में सारे राज ऐश्वर्य जो पहुंच गया। अगर आप तीसरे मोटी खाओगे ना मैं जो लक्ष्मी घर में दासी बन जाओ ये जो वापस आया सुने की महल पत्नी राजरानी बनकर बैठी हुई उसको देखकर पहचान नहीं पाए उस आरत उतारने के लिए आई तो कहती है राजकुमारी मेरे तरफ में क्यों आ रही है पीछे भी चल रहा है ये राजकुमारी मेरे तरफ में क्यों आ रही है। इतने सुदाम सुशीला बोली क्या पीछे क्यों हट रहे बोल तू कहीं और तो मेरे तरफ में क्यों आ रहे कहते मैं तो वही सुशीला हूँ बोले ये छुट्टी आए बोले आप ठाकुर जी के चिड़वा लेकर गए थे ना ठाकुर को दो मुठी खाई तो आता रहते था। इसका मतलब है जब ठाकुर जी को भोग कोई चीज लगता है ठाकुर का आशीर्वाद मिलता है ठाकुर जी की कृपा आशीर्वाद मिलता है ठीक है ना। इसलिए जो प्याज लहसुन है मैंने कथा सुनाया था ना ये गैया का मांस से सृष्टि हुआ है। ऋषि लोग जब ठाकुर ने कर रहे थे ऋषि ने मांस खाने के लिए रात में छुपाया ऋषि को अभिशाप दिया है वो अभिशाप से ये प्याज बना। इसलिए पहले हमारे कोई हिंदू नहीं खाते थे सब कृष्ण जाति मुसलमान खाते थे कोई हिंदू नहीं खाता था क्यों हर घर में ठाकुर होता था पूजा होती थी भगवान के भोग लगते थे खाते थे भाई है ना। और तुम लोग तो देवभूमि के हो देवभूमि के हो ब्राह्मण भी है ना बाबा इतने अच्छे बोले गुरुदेव नाम भी इनका इतना सुंदर है उनका नाम किशन है और ये लक्ष्मी है नाम कृष्णा और लक्ष्मी एक और लक्ष्मी नारायण इनके नाम भी बहुत सुंदर है बहुत बढ़िया अच्छी बात ठाकुर की बात है बहुत अच्छी बात ठीक है माता जी। ये चीज को आज संतों के झोले में एक चीज दे रहा प्यार से सुनते ठीक है हम इसको लेकर चले जाए और लेके क्या संतों से बोले संतों से एक चीज ले लेना बोले एक चीज क्या है बोले भगवान का नाम ठाकुर जी की नाम क्योंकि जीवन में देखना जो कुछ जीवन में करो जब अंतिम समय आता है जब शरीर छोड़ता है क्या बोलते बोलते ले जाते यही बोलेगे राम नाम सत्य है ये बोलेगे ना गोपाल नाम सत्य है सत्य बोल गत्य है सब कोई बात छूटा है ये सुना देना किसको बुलाते हैं जो ऊपर लेता हुआ उसको कहते हैं बोले देखो जीवन में जितने राम कृष्ण के नाम लिए वही तुम्हारे साथ में जा रहे इसके सिवाय जीवन में तुमने जो कुछ किया तुमने छोटे में जिताया एक सुई धागा भी तेरे साथ यहाँ से नहीं जा रहे सब यही छोड़कर तुम जा रहे केवल साथ में प्रभु की नाम ही साथ में जा रहा है ठीक है ना बाबा। इसलिए क्या करना हरि की नाम जप करना और भगवान के घर में तो साक्षात लक्ष्मी तो घर में यही है और बच्चे तो है ही बस जिस घर में ठाकुर को भक्ति बुझाना वही वृंदावन वही धाम संत लोग आ गए ना बस संतों का चरण धुले पड़ गया तो हो गया था और ज्यादा वृंदावन बन गया बन गया ठीक है बाबा। इसलिए हरिनाम करना तो लोग एक माला ली पहले तो माला ली है ठीक है इनको झोली झोली इसमें है झोली क्यों झोली देता मुझे मिलता हरिनाम तो वृंदावन में ही हुआ मैं इसको झोली झोली दे देता हूँ कहाँ है चलिए तुम्हारे पास देखा हाँ तो बहुत अच्छी बात हरि नाम करो और बच्चों को भी बोलो बच्चों को भी बुलाओ एक पहले जिससे भोजन दे बच्चे बच्चे हैं बुला लो दोनों बच्चों को घर में बच्चे भक्ति करना आप देखना घर भगवान का धाम होगा जिस घर में बच्चे भजन करते हैं भक्ति करते हैं आ रहे बच्चे काम कर रहे काम कर रहे एक कीर्तन करते थे बच्चे लोग आते हैं बोले गोविंद जय जय गोपाल जय